पंडित जवाहरलाल नेहरू भी जब पहली बार संसद में गए थे प्रधानमंत्री बन के, तो उन्होंने भी सबसे पहले यही कहा था कि मुझे न तनख्वाह चाहिए, न बंगला चाहिए, न कुछ चाहिए। कहने को भाजपा के सांसद वरुण गांधी लगातार अपनी ही पार्टी की सरकार पर सवाल खड़ा कर दे रहे हैं, तो अब वरुण गांधी ने इस लाइन को आगे खींचते हुए नई बात कह दी है। बात ऐसी कही कि राहुल और प्रियंका सीधे ही वरुण गांधी को हाथ मिलाते हुए गले लगा लेंगे। दरअसल पीलीभीत बीजेपी सांसद वरुण गांधी ने ब्लॉक पूरनपुर के गाँव गुलड़िया भूप सिंह में जनसंवाद का कार्यक्रम रखा था, जहाँ पर वरुण गांधी ने खुद को देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू से जोड़ते हुए ऐसी बात कह दी कि पीएम मोदी से लेकर योगी तक को बुरा लग सकता है। वरुण गांधी ने मंच से भाषण देते हुए कहा कि जब मैं पहली बार सांसद बना तब मुझे 1,00,000 रुपए का तनख्वाह के रूप में चेक मिला। उस चेक के साथ मैंने जो किया, तब के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने बताया कि मुझसे पहले वो काम देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू भी कर चुके हैं। जब मैं गया संसद के भवन में, 1 महीने बाद मेरे को चेक मिला 1,00,000 रुपए का तनख्वाह। तो मैंने जाके लोकसभा के अध्यक्ष महोदय से पूछा कि ये क्या है। उन्होंने कहा ये आपकी तनख्वाह है। मैंने कहा सेवा के लिए कोई तनख्वाह जरूरी है, ये मुझे पता नहीं था। मैंने कहा बहरहाल मैं तो नहीं चाहता ये पैसे। उन्होंने कहा कि देखिए हमारे यहाँ कोई प्रावधान नहीं है कि आप लोग तनख्वाह को वापस लौटाएं, कहीं ना कहीं तो जाएगी। उस समय प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी थे, मैं उनसे जाके मिला। मैंने कहा सर मुझे ये सरकारी गाड़ी, ये बंगला, ये तनख्वाह ये नहीं चाहिए। तो उन्होंने कहा कि जब मैं छोटा था तो मैं पढ़ता था स्कूल में पंजाब में, तो वहाँ पढ़ते थे कि पंडित जवाहरलाल नेहरू भी जब पहली बार संसद में गए थे प्रधानमंत्री बन के, तो उन्होंने भी सबसे पहले यही कहा था कि मुझे न तनख्वाह चाहिए, न बंगला चाहिए, न कुछ चाहिए। पीलीभीत से सौरभ पांडे की रिपोर्ट, यूपी तक।